Hi there guys, today I'm going to tell you how to catalog your WooCommerce websites by using free plugin. Let's move forward. First of all, we have to add a plugin which name is catalog for WooCommerce. दोस्तों इस प्लगइन की मदद से आप क्या कहते हैं चीज़ों को ऐड टू कार्ट की जो सिंगल प्रोडक्ट डिटेल का पेज होता है उस पर आप चीज़ों को हाइड कर सकते हैं। उस हाइड करने की वजह से अपने आपको जो फंक्शनैलिटी हाइड करनी है वो हाइड कर लें, जो आपको कस्टमाइज बटन दिखाना है वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते दोस्तों, प्लगइन को मैंने एक्टिवेट कर लिया। ठीक है जी, और इसी तरीके एक और प्लगइन आपको मैं दिखाऊंगा, पहले इसका रिव्यू कर लें फिर हम नेक्स्ट प्लगइन का रिव्यू करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं इसको, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मैं आ गया इसकी सेटिंग्स में कैटलॉग फॉर वू कॉमर्स, जो कि यहीं पे वू कॉमर्स के अंदर आ रही होगी। ठीक है जी, ये जी एलिमेंट्स के नीचे आ रही है कैटलॉग मोड, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है जी, अब मैं व्यू करता हूँ साइट को और अभी देखते हैं हमारा व्यू कैसा आ रहा है प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। ठीक है जी, मैं प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आया एक प्रोडक्ट के। ठीक है, और इसके अंदर देखें ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो प्रोडक्ट डिटेल पे जा रहा है, एक शॉप पे जा रहा है। अब हमारे पास ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, बहुत सारे लोगों को चीज़ें हाइड करनी होती हैं सारी, तो वो डिस्प्ले एन करके करते हैं। तो इस प्लगइन के अंदर फ़ायदा ये हुआ, आप एक क्लिक के ऊपर सब जगह से एक ही जगह से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर शॉप के पेज पे कर प्रोडक्ट के पेज पे करता हूँ तो यहाँ से ये ऐड टू कार्ट हाइड हो जाना चाहिए। ठीक है जी, हो गया। अब अगर मैं शॉप के पेज पे आता हूँ, ठीक है जी, शॉप के पेज पे ऐड टू कार्ट आ रहा है, मैं यहाँ देखता हूँ ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। शॉप के पेज पे भी सेव करा मैंने, क्लिक चेक लगा के और रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ से भी हाइड हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारी नई वीडियोस मिलती रहें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाइट प्राइस टैग, आपको अगर प्राइस का टैग है हाइट करना है, यानी कि ये जो प्राइसिंग आ रही है आपकी, तो दोनों जगह मैं चेक लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये करके बता रहा हूँ कौन सी चीज़ क्या आ जाएगी, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को पता चल जाए। ठीक है जी, प्राइस टैग हमारे पास हाइट हो गई पूरी। ठीक है, यहाँ से भी हाइट हो जाना चाहिए, पूरी से जो चीज़ वो जी हाइड हो गई। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास रेटिंग बची है। ठीक है, रेटिंग और रिव्यू आई थिंक एक ही है। अच्छा, रिव्यूज़ नीचे आ रहे होंगे प्रोडक्ट के। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ किसी प्रोडक्ट के अंदर देखता हूँ, यहाँ पे रिव्यू ये थे ना, मैंने रिफ्रेश किया तो अभी मेरे पास से रेटिंग हाइड हो गई। ठीक है, अब मैं रिव्यू पे करता हूँ चेक ज़रा। ठीक है, रेटिंग यहाँ से भी हाइड हो जानी चाहिए, यहाँ से भी हाइड हो जानी चाहिए। ये देखिए सिर्फ टाइटल आ रहा है मेरे पास। अब मैं हाइड रिव्यू करता हूँ, हाइड रिव्यू तो प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आता है तो हम उसको वहीं देखेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और बेहतरीन हो गया दोस्तों। एक क्लिक के ऊपर यानी तीन से चार क्लिक के ऊपर आपका एक प्रोडक्ट डिटेल आपको जिस तरह चाहिए है वो आपको मिल गया। ठीक है, मतलब जिससे आगे ना जाए थे आपको शो कराने हैं, प्राइस शो कराने हैं, बाकी सारी चीज़ें आप हाइड कर दें। ठीक है, आपको ये फ्री और प्रीमियम वर्जन इसमें बता रहा है डेमो का, आपको अगर प्रीमियम वर्जन लेना है तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी। बटन सेटिंग से ज़्यादा देखते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास। बटन सेटिंग में दोस्तों ये एक कस्टमाइज बटन दे रहा है, ठीक है, जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं ऐड टू कार्ट। ठीक है, बाय हेयर आपने कहा भाई इसको ले जाए कॉन्टेक्ट के पेज पे ले जाए, ठीक है, या फिर हाँ कॉन्टेक्ट के पेज पे ले जाए, यानी कि ऐड टू कार्ट ना हो, कॉन्टेक्ट के पेज पे ले जाए। कस्टम आइड एक कस्टम बटन बना दिया, उसको ओपन अलग से विंडो में करवा दिया, पैडिंग आपने सब में दे दी 10, 10, 10 और 10 पिक्सल। ठीक है, बटन का कलर आपने रैंडम दे दिया, सही है, टेक्स्ट आपने वाइट रख दिया, होवर कलर ओके है, बॉर्डर मैंने कहा भाई सॉलिड कर दो और 2 पिक्सल कर दो। ठीक है, बॉर्डर कलर ठीक है, बॉर्डर रेडियस 20। ठीक है जी, अब एक कस्टमाइज बटन भी हमारे पास ये आ जाएगा शॉप पेज पे भी और प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी। ठीक है जी, दोनों चेक लगाने के बाद तो अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बेहतरीन हो गया दोस्तों, मेरे पास एक बटन भी आ गया जो कि आपको ये कॉन्टेक्ट के पेज पे लेके चले जाएगा। मतलब आपको उसमें कोई कोडिंग नहीं करनी पड़ी, इससे फ़ायदा ये हुआ आपको कोडिंग, आपको अपने हिसाब से जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई है। ठीक है,
आप कोड से करना चाहें कोड से कर सकते हैं, कस्टम शॉर्ट कोड बना के, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इसी तरह आपने सारी चीज़ें यहाँ इसको ऐड टू कार्ट कर दिया, मीनिंग ये ऐड टू कार्ट को रिप्लेस करके कस्टमाइज बटन दे दिया। यहाँ पे कोई जो है एक्सटर्नल लिंक देना है दूसरा, वो आप दे सकते हैं। ठीक है जी, देखते हैं एक बार प्रोडक्ट लिंक्स अलाउ हैं कि नहीं है, ये सिर्फ एक ही जगह से आपको प्रोडक्ट का लिंक अलाउ है। डी हमारे पास यहाँ पे है, देखें हर प्रोडक्ट के ऊपर आप जाके लिंक डिफरेंट रख सकते हैं। सही, ठीक है जी, वो लोड के दरमियान आ रहा है, इसने उसको हाइड कर दिया, दैट्स व्हाई वो लोड के बाद आपका वो जो ऑप्शन आ रहा है बटन टेस्ट है वो हाइड हो जाता है, यानी कि एक ही जगह से आपको अलाउ होगा। ठीक है, गेट मोर ऑप्शंस के अंदर ही मुझे ऐसे कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी कि एक बटन आप अलाउ कर सकते हैं ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है जी, तो इसी तरह एक और प्लगइन देखते हैं। ठीक है, एक तो हमने कैटलॉग फॉर वूकॉमर्स देखा, दूसरा हम इसी तरह एक और देखते हैं सिंपल कैटलॉग फॉर वूकॉमर्स। इसके अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इसके अंदर फ़ायदा ये होगा आप दूसरी चीज़ों पे कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, प्राइस हो गया, यानी कि लॉग इन कंडीशन लगा सकते हैं हर चीज़ के ऊपर। ठीक है, कि प्राइस विदाउट लॉग इन आप प्राइस नहीं देख सकें, इस तरह की चीज़ आप इसके अंदर कर सकते हैं। पहले मैं वाला प्लगइन डिसेबल कर दूं जो कि मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया था, ये वाला प्लगइन डिसेबल कर दूं जिसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है जी, अब इसकी सेटिंग्स के अंदर आते हैं, सिंपल कैटलॉग फॉर वू कॉमर्स। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, चीज़ें मेरी रिवर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है जी, रिवर्ट हो गई हैं। अब मैं आया यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर इनकी, सिंपल कैटलॉग फॉर वू कॉमर्स जो सेकेंड प्लगइन इंस्टॉल किया मैंने। अब कह रहे डिस्प्ले फॉर लॉग इन यूज़र्स, ठीक है जी, और हाइट फॉर ऑल यूज़र्स, डिस्प्ले ऑल फॉर यूज़र्स। मैंने कहा ठीक है भाई, एड टू कार्ट डिस्प्ले पे दिखाना, इसके अंदर हर चीज़ की कंडीशन लगा दी है ना, प्राइस भी दिखाना लॉग इन वालों के लिए, ये सब रिव्यू के दिखाना, प्राइस चेक रिप्लेसमेंट, ये न्यू प्राइस है ऐसे चेक करने के लिए। और तो प्राइस का लिंक आपने भेज दिया भाई कॉन्टेक्ट पे भेज दिया, ठीक है जी, एक चेक करने के लिए। कार्ट पेज डिस्प्ले फॉर ऑल यूज़र्स, मैंने कहा नहीं भाई, डिस्प्ले फॉर लॉग इन यूज़र्स, चेकआउट भी डिस्प्ले फॉर लॉग इन यूज़र्स, सेव किया मैंने। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा अभी सब चीज़ें आ रही हैं, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ लॉग इन हुआ हूँ। अब अगर मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एन करता हूँ, राइट विंडो में खोलता हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें नहीं आनी चाहिए, देखें सब चीज़ें हाइड हो गई, और प्राइस के टैग की जगह वो वहाँ पर जो हमने एक कस्टम लिंक ऐड किया था प्राइस की जगह वो यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, प्राइस टैग रिप्लेसमेंट और प्राइस इसका जो लिंक आपके पास जो पेजेस आ रहे थे उसके लिंक, ठीक है, डू नॉट लिंक टैक्स रिप्लेसमेंट, तो आप विदाउट भी आप कर सकते हैं इसके बगैर लिंक के। ठीक है जी, तो ये देखिए मेरे पास, मैं प्राइवेट विंडो में आया, मेरे पास किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं आ रहा क्योंकि लॉग इन नहीं है यूज़र। अगर इसी तरीके से मैं अगर ऐड टू कार्ट को अलाउ कर देता हूँ, डिस्प्ले फॉर ऑल यूज़र्स और प्राइस रिप्लेसमेंट, मैं अगर चेंज नहीं करता और रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। रिफ्रेश किया मैंने, तो हमारे पास देखें कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसकी और कंडीशन हटाता हूँ, जैसे प्राइजेस लॉग इन के ऊपर प्राइस लगा हुआ है, ठीक है, डिस्प्ले फॉर ऑल यूज़र्स, मैंने इसको सेव किया, और अब इसको मैं दोबारा यूरी सिंह देखे कैसे क्लियर करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, देखें प्राइस का टैग भी आ गया, जो चीज़ें रिमूव करी हैं वो सारी आ गई यहाँ पर। ठीक है जी, इसी तरीके से कार्ट पेज पे जाते हैं, नहीं कार्ट पेज पे जा रहे, नहीं आ रहे, लॉगिन मांग रहे हैं, व्यू कार्ट करा मैंने तो ये होम पेज पे जा रहे हैं, लॉगिन नहीं मांग, लॉगिन पे नहीं जा रहा। ठीक है जी, तो इससे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि दोनों प्लगइन के अंदर क्या फ़र्क है। ठीक है, लॉगिन फॉर चेकआउट, इस तरह ये चीज़ें चल रही हैं प्रोसेस का, तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।